अब आज अपन करेंगे पाइनस। अभी करते हैं अपन पाइनस, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका पाइनस मैं एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। एक मिनट, कौन आया है? कोमल वर्मा भी आ गई। ठीक है, आप पाइनस में एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ। हाँ बेटा, पाइनस है, जिम्नोस्पर्म है। इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है? वर्गीकृत स्थिति ऑफ पाइनस। पाइनस की सिस्टमेटिक पोजीशन लेंगे जो कि जिम्नोस्पर्म है, तो इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है? पाइनस को क्लास जिम्नोस्पर्मी में रखा गया है क्योंकि जाइलम में वाहिकाएं तथा फ्लोएम में सहकोशिकाएं कंपेनियन सेल्स अनुपस्थित होती हैं। मतलब पाइनस हैज बीन प्लेस्ड इन द क्लास जिम्नोस्पर्मी बिकॉज़ जाइलम लैक्स द वेसल्स एंड द कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट इन फ्लोएम, और बीजांड नग्न होते हैं। और कौन से उपवर्ग में पाइनस को रखा गया है? तो सब क्लास है कोनिफेरोफाइटा। क्यों रखा गया है? क्योंकि काष्ठ सघन दारुक होती है, अर्थात काष्ठ सघन तथा कठोर होता है। तो पाइनस हैज बीन प्लेस्ड इन द सब क्लास कोनिफेरोफाइटा। व्हाई? बिकॉज़ द वुड ऑफ पाइनस इज पिक्नोजाइलिक और माइक्रोफिलस होता है, ये लघुपर्णी होता है। ऑर्डर कौन से ऑर्डर में रखा गया है? पाइनस has been placed in the order coniferales. Pinus को गण coniferales में रखा गया है क्योंकि पादप conical आकृति के होते हैं, शंकुवत होते हैं, पर्ण सूचाकार होती है, leaf of cycases, needle shaped resin canal उपस्थित होती हैं, and नर तथा स्त्री शंकु उपस्थित होते हैं। स्त्री शंकु बड़े होते हैं, नर युग्मक अचल होते हैं। तो बेटा पाइनस हैज बीन प्लेस्ड इन द ऑर्डर कॉनिफेरेल्स। व्हाई? बिकॉज़ द प्लांट्स और ट्रीज ऑफ पाइनस आर कॉनिकल एंड द लीफ इज नीडल शेप्ड, रेजिन कैनाल इज आल्सो प्रेजेंट एंड द मेल एंड द फीमेल स्ट्रोबाइलस और कोन्स आर प्रेजेंट एंड द मेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल इन पाइनस। और कौन से कुल में, कौन सी फैमिली में पाइनस को रखा गया है? पाइनस आता है कुल पाइनेसी में। कौन से कुल में आता है? पाइनेसी में, क्योंकि शाखाएं द्विरूपी होती हैं। पर्ण द्विरूपी होता है, डायमॉर्फिक होता है, शल्क पर्ण एवं हरी व सूचाकार पर्ण, नीडल शेप्ड लीव्स, हरी व सूचाकार पर्ण, नीडल शेप्ड लीव्स। तो इस प्रकार पाइनस को फैमिली पाइनेसी में रखा गया है क्योंकि पराग कण पॉलन ग्रेन्स पंखदार होते हैं, बीजांडधर शल्क ओविलिफेरस स्केल दो अनावृत बीजांड सहित और सूखे व पंख युक्त बीज होते हैं। पाइनस हैज बीन प्लेस्ड इन द फैमिली पाइनेसी बिकॉज द लीव्स आर डायमॉर्फिक। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायमॉर्फिक? डायमॉर्फिक से आप क्या समझते हो? टू टाइप्स ऑफ लीव्स आर फाउंड, स्केली लीव्स एंड द नीडल शेप्ड लीव्स, एंड द पोलन ग्रेन्स आर विंग्ड एंड द सीड्स आर आल्सो विंग्ड। ठीक है, और पाइनस को कौन सी जीनस में रखा गया? वंश है, शाखा वंश पाइनस ही है। शाखा तथा पर्ण द्विरूपी होते हैं, नर शंकु गुच्छे में पार्श्वीय उत्पत्ति वाले, मादा शंकु एकल तथा सीमांतीय होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि जो पाइनस है, पाइनस का वितरण आप पढ़ेंगे तो कॉनिफेरेल्स गण में पाइनस एक प्रमुख वंश है। कौन से गण में रखा गया है? कॉनिफेरेल्स। पाइनस की लगभग 100 जातियां, लगभग 100 जातियां उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्षेत्र में, विशेष रूप से उत्तरी शीतोष्ण तथा उप एल्पाइन क्षेत्र में सदाबहार वन के रूप में पाई जाती हैं। मतलब नियर अबाउट 100 स्पीसीज ऑफ पाइनस आर फाउंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दीज आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो भारत में उगने वाली 6 जातियों का वर्णन है
मतलब द सिक्स स्पीसीज ऑफ पाइनस व्हिच आर फाउंड इन इंडिया आर फर्स्ट ऑफ ऑल पाइनस जिराडियाना, पाइनस जिराडियाना, पाइनस रॉक्स बर्गाय, थर्ड है पाइनस वेलिशियाना, फोर्थ इज पाइनस मर्कुसाय, फिफ्थ इज पाइनस इंसुलारिस एंड सिक्स वन इज पाइनस आर्मेंडाय। तो पाइनस ये जो है पाइनस की छह जातियां बेटा भारत में पाई जाती हैं। सबसे पहली जाति है पाइनस जिराडियाना, तो यह पाइनस जिराडियाना कश्मीर तथा हिमाचल के किन्नौर क्षेत्र में पाई जाती है और पाइनस जिराडियाने के वृक्षों की ऊंचाई 12 से 20 मीटर तक होती है और पर्ण ट्राइफोलिएट होते हैं। पर्ण कैसे होते हैं? पर्ण इस पर त्रिपर्णी ट्राइफोलिएट होते हैं, इनके बीज चिलगोजा खाने के काम आते हैं। सेकंड है जैसे पाइनस रॉक्स बरगाय, तो यह जाति कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, नेपाल तथा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है और पादप पाइनस रॉक्स बरगाय का पादप की ऊंचाई 35 से 50 मीटर तक होती है। इसके पर्ण स्पर में भी तीन पर्ण होते हैं। नेक्स्ट है पाइनस वेलिशियाना, तो पाइनस वेलिशियाना कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है और पाइनस वेलिशियाना के वृक्ष 50 मीटर लंबे होते हैं और पर्ण स्पर में 5 सूच्याकार पर्ण होते हैं। नेक्स्ट है पाइनस मर्कुसाय, जो कि बंगाल, बर्मा व अंडमान निकोबार में पाई जाती है। पादप छोटे होते हैं, मतलब पाइनस मर्कुसाय के प्लांट्स 3 मीटर से 4 मीटर लंबे होते हैं, पर्ण स्पर में 2 सूच्याकार पर्ण होते हैं। इसी प्रकार है पाइनस इंसुलारिस, तो असम के खामचा क्षेत्र में व्यापक रूप से पाइनस इंसुलारिस पाया जाता है। पादप की ऊंचाई 30 मीटर तक होती है और इसका पर्ण स्पर त्रिपर्णी होता है। तो पाइनस आर्मेंडाय की बात करते हैं आप, तो पाइनस आर्मेंडाय यह जाति असम व नेफा उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में व्यापक रूप से मिलती है और पादप की ऊंचाई 15 से 20 मीटर तक होती है तथा स्पर में 5 पर्ण होते हैं। स्पर में क्या होते हैं बेटा? 5 पर्ण होते हैं। तो बिफोर टेकिंग द पाइनस मॉर्फोलॉजी आई विल टॉक अबाउट इन इंग्लिश। इंग्लिश मतलब व्हाट अबाउट द पाइनस? तो इन पाइनस देयर आर पाइनस वेलिशियाना, मैंने क्या बताया अभी, सिक्स स्पीसीज ऑफ पाइनस आर फाउंड इन इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल पाइनस वेलिशियाना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू पाइन। पाइनस वेलिशियाना इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू पाइन। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू पाइन और केल। पाइनस वेलिशियाना को क्या कहते हैं? ब्लू पाइन या केल कहते हैं। एंड इट फॉर्म्स प्योर और मिक्स्ड फॉरेस्ट ऑन हिल स्लोप्स एट एलिवेशंस वेरिंग बिटवीन 6,000 टू 11,000 फीट अबव द सी लेवल। सो द स्पीसीज ऑफ पाइनस वेलिशियाना ग्रो लग्जूरियंटली इन द हिल्स ऑफ कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 1500 to 3000 meters. And now, what about this? This was about Pinus valishiana. Next species is Pinus rocks bergai. It is commonly called as cheed pine. Pinus rocks bergai ko cheed pine bhi kehte hain. The leaves of Pinus rocks bergai are needle-like and in fascicles of 3. The tree of Pinus rocks bergai appears like a pyramid and it attains a height of 54 meters. Female cone of Pinus rocks bergai are conical in appearance and the scales of the female strobilus bear prominent beak at their apex. Next species of Pinus is Pinus mercusae. So this species of Pinus is also called as Tenacerium pine. Is also called as Tenacerium pine.
The leaves of Pinus marcusi are sessile, are needle-like. The leaves are needle-like and the leaves of Pinus marcusi are usually found in fascicles of two. The plant is very small in size and the height of Pinus marcusi is about 3 to 4 meters. Next is Pinus girardiana. This is also called as Chilgoza pine. Pinus girardiana ko kya kehte hain apan? Chilgoza pine. It grows in northwest Himalayas at 5,000 to 12,000 feet above the sea level, and it is found in Kashmir and Afghanistan. अब अपन देखते हैं पाइनस की जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ पाइनस. अब अपन देख रहे हैं तो उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूंगी जो भी आपको पूछता है. पाइनस का बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट पादप लंबा सीधा तथा सदा हरित एवरग्रीन वृक्ष होता है जो जड़ तना व पत्ती में विभेदित होता है. तो पाइनस का बीजाणुद्भिद कैसा होता है बेटा? इट इज एन एवरग्रीन ट्री एंड दिस स्पोरोफाइट ऑफ पाइनस इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स स्टेम एंड लीव्स. तो आपको इसका डायग्राम दिखाया है. पाइनस शंकु सहित पादप भाग. तो ये देख रहे हो पाइनस में दीज आर द स्केली लीव्स एंड दीज आर द फोलियस लीव्स. मैंने जैसे बताया था पाइनस डाइमॉर्फिक होता है. दो तरह की पत्तियां हैं फोलियस लीव्स एंड स्केली लीव्स. So this is the diagram of pinus and this is the male cone and this is the female cone. This is the male cone and this is the long shoot. ठीक है, ये है पाइनस के पादप का चित्र. तो पाइनस का बीजाणुद्भिद पादप लंबा सीधा तथा सदा हरित होता है. वृक्ष होता है जो कि जड़ तना व पत्ती में विभेदित रहता है. यह उभय लिंगाश्रयी होता है, मोनोएशियस होता है जिसमें एक ही पादप में नर तथा मादा जनन अंग पाए जाते हैं. तो पाइनस पाइनस एरिस्टेटा नामक जाति के वृक्ष 100 मीटर ऊंचे तथा करीब 4000 वर्ष की उम्र तक के होते हैं. अब पढ़ते हैं पाइनस में कैसी मूल पाई जाती है. तो देख रहे हैं डायग्राम है पाइनस की मूल का. तो ये क्या दिखा रहे हैं? पाइनस की कवक मूल माइकोराइजा एंड दिस इज द फंगस. ठीक है, तो पाइनस की मूल कैसी होती है? तो पाइनस की मूल सुविकसित मूल गोपयुक्त एवं स्थाई मूसला जड़ होती है. मतलब इन पाइनस टैपरूट इज फाउंड और ये मूसला जड़ अवशोषण का कार्य करती है. आरंभिक अवस्था में मूल रोम उपस्थित रहते हैं. मतलब इन द बिगिनिंग और इन द इनिशियल स्टेज द टैप रूट शोज द प्रेजेंस ऑफ रूट हेयर. परंतु बाद में ये मूल रोम रूट हेयर नष्ट हो जाते हैं और तब इस सुविकसित मूल तंत्र में द्विशाखन बाइफर्केशन हो जाता है. तो जड़ की भाई ये सतह कवक तंतुओं से ढकी होती है जिसे कवक मूल माइकोराइजा कहते हैं. तो कवक मूल में क्लेवेरिया कौन कौन सी है? कवक मूल में क्लेवेरिया एमेंशिया लेकेरिया स्क्लेरोडर्मा आदि बेसिडोमाइसिडीज के कवक पाए जाते हैं. तो क्या याद रखोगे आप कि कवक मूल में, कवक मूल मतलब माइकोराइजा में कौन कौन सी फंगस पाई जाती हैं? तो इसके नाम याद रखोगे कौन कौन से हैं? कवक मूल में क्लेवेरिया एमेंशिया लेकेरिया स्क्लेरोडर्मा आदि बेसिडियोमाइसिडीज के कवक पाए जाते हैं. ये कवक जड़ के बाहरी भाग तक सीमित होते हैं, अतः इन्हें एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा कवक मूल कहते हैं. पाइनस की मूल में इन कवकों का सहजीवन जल अवशोषण में मदद करता है. तो कवक मूल का संक्रमण भूमि में अधिक आर्द्रता मृदा अम्लीयता तथा प्रकाश की तीव्रता पर
निर्भर करता है। कवक मूल ना होने पर सीडलिंग की मृत्यु तक हो सकती है। तो अपन ने क्या देखा अभी, रूट ऑफ पाइनस अपन शेयर कर रहे हैं, पाइनस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो पाइनस के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब स्पोरोफाइट को इंग्लिश में बताती हूँ, हैबिट एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मतलब द पाइन ट्रीज वेरी इन हाइट फ्रॉम 70 feet, दे फिर एक बार कर रहे हैं इसको कनेक्शन को, अब इस वापस से मैं इसको शेयर करती हूँ आपके साथ, स्क्रीन को शेयर कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग को एक स्क्रीन को फिर से शेयर करते हैं आपको, ठीक है। पाइनस का, तो पाइनस की स्टॉप शेयर करके वापस से शेयर करती हूँ आपके साथ। स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट में क्या पढ़ रहे हैं अपन, द पाइन ट्रीज वेरी इन हाइट फ्रॉम 70 feet टू 200 feet एंड रीच ए डायमीटर ऑफ अबाउट 12 feet और इवन मोर। पाइनस एरिस्टेटा फ्रॉम कैलिफोर्निया इज अबाउट 4000 ईयर ओल्ड एंड नाउ वी विल टॉक द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इन रूट स्टेम एंड लीव्स, द प्लांट्स आर मोनोइशियस, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पोरोफाइट इन पाइनस, मींस द स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी इन पाइनस is differentiated into roots, stem and leaves and the plants of pinus are monoecious. First of all, root, the plant possesses a typical taproot system with strongly developed lateral roots. Matlab pinus mein beta taproot pai jati hai and the taproot does not enter deep into the soil and so the lateral roots grow extensively. And what is the function of the taproot? The taproot helps the plant to keep firmly in the soil. Root hair are poorly evolved and the roots in pinus are covered with fungal hyphae called mycorrhiza. So when aapko jab ek question poochte hain ki what are mycorrhiza, तो आप बताओगे द रूट्स इन पाइनस आर कवर्ड विद द फंगल हाइफे कॉल्ड एज माइकोराइजा एंड व्हाट आर द फंगाई प्रेजेंट इन द माइकोराइजा। तो आपको याद करना है द फंगाई व्हिच आर प्रेजेंट इन द एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा आर द स्पीसीज ऑफ एमेंशिया, बोलिटस, क्लेवेरिया, स्क्लेरोडर्मा ऑफ द क्लास बेसिडियोमाइसिटीज and they remain in symbiotic association with the roots. So the effect of mycorrhizal infection on the growth of seedling and their phosphorus uptake was studied and it was concluded that even a low intensity of infection of Pinus sylvestris seedling by Lecheria lacata stimulates the growth of the seedling. So the in pinus the taproots are found. एक स्क्रीन और शेयर कर देती हूँ आपको, और कोई एक है स्टेम के बारे में, पाइनस के स्टेम के बारे में बता रहे हैं बेटा आपको, है ना। तो पाइनस का तना लंबा, वाइवीय, एरियल, काष्ठीय, असम, रग्ड, बेलनाकार, सीधा तथा शल की छाल द्वारा ढका रहता है। पाइनस तने का मुख्य अक्ष कई मीटर ऊंचा होता है, जिस पर शाखाएं प्रत्येक वर्ष चक्रीय रूप में बनती हैं। शल्क पत्र की अक्ष में उपस्थित कलिकाओं से शाखा उत्पन्न होती है। ये शाखाएं ऊपर की ओर आमाप में घटती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पादप कॉनिकल हो जाता है, शंक्वाकार हो जाता है। इस आकृति के आधार पर पाइनस को कॉनिफेरेस गण में रखा गया है। पुराने तने पर चक्र द्वारा बने निशान की मदद से पादप की आयु की भी गणना की जा सकती है। इस पादप में शाखाएं दो प्कार की होती हैं, लंबे प्ररोह बोनी शाखाएं लॉन्ग शूट्स और ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ एंड द ड्वार्फ शूट्स और ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। तो लंबे प्ररोह क्या होते हैं, लॉन्ग शूट्स,
इन शाखाओं की अग्रस्त कलिका एपिकल बड अनिश्चित अवधि तक वृद्धि होने के कारण इन्हें असीमित वृद्धि की शाखा कहते हैं। इनका निर्माण तने पर शल्क पत्रों की कक्ष से होता है। लंबे प्ररोह पर बोनी शाखाएं तथा शल्क पर्ण लगते हैं। इसी प्रकार है बोनी शाखाएं ड्वार्फ शूट और ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। ये लंबी शाखाओं पर उपस्थित शल्क पर्ण की कक्ष से उत्पन्न होती है। इनके शीर्ष पर अग्रस्त कलिका के शीघ्र निष्क्रिय होकर नष्ट होने के कारण इनकी वृद्धि सीमित होती है। इन शाखाओं के नीचे की ओर छोटे व पतले शल्क पर्ण तथा ऊपर की ओर सूच्याकार नीडल शेप्ड हरी पर्ण पाई जाती है। सूच्याकार पर्ण युक्त बोनी शाखा फोलियर स्पर पर्णल स्पर कहलाती है। इसी प्रकार पत्तियां हैं। पाइनस में दो प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं, मतलब पाइनस इज डाइमॉर्फिक। अब बेटा किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो, या जहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया हो तो कोई भी पूछो। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो पाइनस के बारे में, जो अभी अपन ने पढ़ा है ना, और पाइनस के बारे में कोई क्वेश्चन है किसी का भी, अनिता, पिंकी चौधरी, निकिता, ठीक है, अंजलि गिलवानिया, दिव्या, अस्मिता, कोमल वर्मा, सृष्टि गोयल, मनीषा, लता, नीतू बागड़ी, कोई भी आपका क्वेश्चन है ना, तो आप पूछ सकते हो। पिंकी, सृष्टि, मनीषा, मनीषा, जो अभी तक मैंने पाइनस के बारे में आपसे बात करी, तो अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे बढ़े, और नहीं तो आप कोई भी क्वेश्चन फ्री हो प्रतिभा पूछने के लिए, प्रतिभा, हाँ, कोमल, कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो, निकिता चौधरी, लता, रुचि कुमारी, हाँ, तनुप्रिया, कोई क्वेश्चन है आपका पूछने के लिए, ऋषिता, ऋषिता कलाल पाइनस में, अस्मिता, पिंकी चौधरी, अनिता, जहांगीर, कोई भी क्वेश्चन हो आपका पाइनस में जो अभी तक मैंने बताया है उसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो, है ना, जो पाइनस में अपन ने पढ़ा है। तो आप याद क्या रखोगे, मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ, अगर कोई क्वेश्चन है तो बोलो बेटा, हाँ ना बोलो, कोई किसको क्वेश्चन पूछना है कोई तो पूछ सकते हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है आपकी तरफ से पाइनस में तो पूछ सकते हो, जो अभी मैं पढ़ा रही हूँ उसके लिए कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन है पूछ सकते हो, ठीक है, उसमें आपको क्या पूछना है, कोई भी, एनी वन ऑफ यू इज फ्री टू आस्क द क्वेश्चन, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, नहीं तो मैं इंग्लिश में और थोड़ा सा बता देती हूँ आपको इसी के बारे में, स्टेम के बारे में, ठीक है बेटा, स्टेम ऑफ साइकस। तो स्टेम ऑफ साइकस में द स्टेम इज इरेक्ट वुडी सिलेंड्रिकल एंड द स्टेम इज एंड द स्टेम इन पाइनस इज कवर्ड विथ स्टेम इन पाइनस इज कवर्ड विथ स्केली बार्क एंड द ब्रांचिंग इज मोनोपोडियल and evolve spirally in the axil of scaly leaves present on the stem. The terminal bud of the main axis grows much more rapidly than those of the branches. This results in a tapering of the stem towards the apex, giving the plant a characteristic pyramidal form. But in some species like Pinus toriana, Pinus Toriana, the branches are diffuse or scattered. तो जैसे कि मैंने बताया पाइनस में दो प्रकार की शाखाएं पाई जाती हैं। In pinus, two types of branches are found. What are these? First, branches of unlimited growth or the long shoot, and second is branches of limited growth or the dwarf shoot. So, what are the branches of unlimited growth? These branches of unlimited growth in pinus possess apical bud which continues the growth of the branches, and these branches of unlimited growth are present on the main trunk, and these branches of unlimited growth bear only scaly leaves in the axil of which dwarf shoots develop. These branches covered with brown bud scales, and these branches of unlimited growth arise as buds in the axil of the scaly leaves at the end of each year's
extension growth. Now the branches of unlimited growth or the dwarf shoots. So these branches do not have apical buds. मतलब जो dwarf shoots हैं, असीमित वृद्धि की शाखाएं हैं, उनमें शीर्ष कलिका apical bud नहीं पाई जाती. So these branches or the branches of limited growth do not have apical buds and show only limited growth. These branches or the dwarf shoots are also called as brachyblast. इनको और क्या कहते हैं? Brachyblast भी कहते हैं. अब है leaves. तो जैसे कि मैंने बताया, Pinus possesses two types of leaves, the scaly leaves and foliage leaves. अब कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो. Pinus में, अच्छा ये बताओ आप, डाइमॉर्फिक से आप क्या समझते हो? मैंने एक शब्द बताया, पाइनस की जो पत्तियां हैं डाइमॉर्फिक होती हैं, तो कोई भी बता दो डाइमॉर्फिक से आप क्या समझते हो. कोई भी बता दो डाइमॉर्फिक से आप क्या समझते हो. द्विरूपी पत्तियां होती हैं पाइनस में, उससे आप क्या समझते हो? पाइनस की पत्तियां द्विरूपी होती हैं, डाइमॉर्फिक होती हैं, तो उससे क्या समझते हो? कोई भी आंसर दो, कोई भी आंसर दो, कोई भी आंसर दे दो. या ये बताओ पाइनस में कितनी तरह की शाखाएं पाई जाती हैं? नेम द टू टाइप्स ऑफ ब्रांचेस फाउंड इन पाइनस. पाइनस में जो शाखाएं मिलती हैं उसका उसके नेम बताओ. नेम द टू टाइप्स ऑफ ब्रांचेस फाउंड इन पाइनस. पाइनस में जो शाखाएं हैं, पाइनस में जो शाखाएं हैं कितने तरह की होती हैं और वो कौन कौन सी हैं? आप लोग कोई तो आंसर दो, कोई आंसर दो बेटा इसमें से. दो तरह की होती है मैम. हाँ बेटा, दो तरह की होती है. कौन कौन सी होती है दो तरह की? लंबे प्ररोह और बोनी शाखा. लंबे प्ररोह और बोनी शाखा, बिल्कुल सही है. अच्छा बेटा, चिलगोजा ड्राई फ्रूट कौन सी पाइनस की जाति से मिलता है? अभी बताया था मैंने पाइनस की छह जातियां, तो चिलगोजा नामक ड्राई फ्रूट कौन सी जाति से मिलता है? चिलगोजा नामक ड्राई फ्रूट पाइनस की कौन सी जाति से मिलता है ये भी बताओ. जो छह पाइनस जिरार्डियाना, बिल्कुल सही है, पाइनस जिरार्डियाना से मिलता है. तो इस प्रकार आप याद रखोगे, पाइनस जिरार्डियाना से मिलता है. अब पाइनस में पत्तियां डाइमॉर्फिक होती हैं, डिमॉर्फिक मतलब द्विरूपी होती है, उससे क्या समझते हो? पाइनस की पत्तियां, मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाइमॉर्फिक? लीव्स आर डाइमॉर्फिक. दो तरह की पत्तियां होती है, बता दो दो तरह की पत्तियों के नाम. हाँ बता दो, कोई शल्क पर्ण और सामान्य पर्ण. हाँ, शल्क पर्ण और सामान्य पर्ण, स्केली लीव्स एंड फोलियेज लीव्स. तो आधा है ना, ऐसे क्वेश्चंस हैं बेटा, क्योंकि आपके पाइनस की अब छह जातियों में से किसी भी चार जातियों के नाम बता दो. पाइनस की छह जातियां मैंने बताया भारत में मिलती है, आप कोई चार या तीन जातियों के नाम बता दो. पाइनस की कौन कौन सी जातियां मिलती है? जिआर्डियाना, पाइनस जिराडियाना, ठीक है. आगे और पाइनस वेलिशियाना. पाइनस वेलिशियाना, ठीक है. दूसरी जाति आ गई पाइनस मोनोफिला. पाइनस पाइनस मोनोफिला मोनोफिला मोनोफिला. अच्छा आगे और पाइनस इंसुलेरिस. पाइनस इंसुलेरिस, ठीक है बेटा. पाइनस मर्कुसाई. पाइनस मर्कुसाई. पाइनस मर्कुसाई. तो आ रहा है आपका जवाब, आ रहा है